मुंबई की। मुंबई में जब भी बारिश आती है आफत लेकर आती है। आज सुबह भी 4 बजे से लेकर 7 बजे तक मुंबई में तेज बारिश हुई। अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। 3 घंटे की तेज बारिश ने बीएमसी के उन दावों की पोल खोल दी जिसमें कहा गया था कि इस साल बारिश से मुंबई की रफ्तार कतई धीमी नहीं पड़ेगी। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुंबई के 3 इलाकों की ये तस्वीरें हैं। ये सभी मुंबई के निचले इलाके हैं जहां तेज बारिश से पानी भर गया है, लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और मुंबई में ये सायन, किंग सर्कल, दादर, हिंद माता, एल्फिस्टन रोड, अंधेरी के कुछ इलाके हैं जहां पानी भरने से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। मुंबई वालों की सुबह की शुरुआत ही मुसीबत से हुई। लोगों को दफ्तर जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, लेकिन मुंबई की रफ्तार पर रोक लगा दी इस जल भराव ने। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और जब भी बारिश होती है पानी भरने से ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। और मुंबई के हिंद माता से हमारी सहयोगी कविता शर्मा ने एक रिपोर्ट फाइल की है, आपको वो दिखाते हैं। मुंबई में सुबह 4 बजे से हो रही लगातार बारिश के चलते मुंबई के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। इस वक्त हम आपको तस्वीरें हिंद माता इलाके की दिखा रहे हैं जहां पर सुबह से हो रही बारिश की वजह से पूरे इलाके में पानी भर चुका है। यहां पर हालांकि 3 से 4 वाटर पंप लगाए गए हैं जिनके जरिए पानी निकाला जा सकता है, लेकिन उनकी हालत आपको इस वक्त दिखाते हैं। इस वाटर पंप की मशीन बिगड़ चुकी है जिसे बनाने का काम जारी है और ये हमेशा बारिश के वक्त यही हाल देखने मिलता है कि बारिश में पानी निकासी के जो भी दावे किए जाते हैं, जो भी इंतजाम होते हैं, वो तेज बारिश के वक्त ठप पड़ जाते हैं। लोग जो हैं, क्योंकि आज स्कूल है, आज मंगलवार का दिन है, सोमवार को ईद थी, स्कूलें बंद थी, लेकिन आज सुबह से ही बच्चे स्कूल जाने के लिए निकल रहे हैं और 1.5 से 2 फीट पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। इस वक्त आपको मैं बताना चाहूंगी कि जिस पानी में मैं यहाँ खड़ी हूँ 1.5 से 2 फीट पानी भर चुका है और पानी को निकालने की हर कोशिश इस वक्त नाकाम नजर आ रही है। बच्चे जो है इस पानी से जा रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। स्कूल बंद नहीं है, लेकिन आप पानी देखिए, घुटनों तक, इस वक्त घुटनों तक पानी में मैं खड़ी हूँ। इतना पानी भर चुका है तेज बारिश की वजह से, जो गाड़ियाँ हैं उन्हें निकलने में दिक्कत आ रही है। कुछ गाड़ियों को यहाँ से पानी से नहीं गुजरने दिया जा रहा है। ये रोड भी डाइवर्ट की गई है। लगातार ट्रैफिक की समस्या भी इस इलाके में बढ़ी हुई है। आपको बता दें हिंद माता, एल्फिंस्टन, इसके अलावा यहाँ पर जो दादर है वहाँ से आने वाली गाड़ियों में गाड़ियाँ भी जो है इस रास्ते से गुजरने को मना की जा रही है। किसी तरीके से धीरे धीरे यहाँ से गाड़ियाँ निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी 6:30-7 बजे का वक्त ही हुआ है। महज 3 घंटे की बारिश में मुंबई के हिंद माता इलाके का ये हाल है और अमूमन जो निचले इलाके हैं वहाँ पर इसी तरीके से तस्वीरें देखने मिल रही है। कैमरामैन हरीश के साथ कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। और मुंबई में तेज बारिश के बीच एक सावधान करने वाली खबर भी है। मुंबई में आज हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है। दोपहर करीब 2 बजे समंदर में 4.8 मीटर तक लहरें उठ सकती हैं। बीएमसी ने लोगों को समंदर किनारे जाने से सख्त मना किया है। मुंबई वालों को आज तेज बारिश से भी राहत मिलने के आसार कम ही हैं। मौसम विभाग ने आगे भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की है और इस बीच हाई टाइड दोपहर 2 बजे आ सकती है, जिस वजह से मुंबई के हमारे दर्शकों को हम यही कहेंगे कि समंदर से दूर रहें। और 3 घंटे की बारिश से मुंबई वालों को कैसे परेशानी हुई इसकी भी हम 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में सुबह 4 बजे से बारिश हो रही है जैसा कि हमने आपको बताया और इसकी वजह से सड़क पर तमाम जगहों पर पानी भर गया है। ट्रैफिक की रफ्तार बेहद धीमी है, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी है, लोगों को ऑफिस जाने में दिक्कत है और ये तमाम परेशानी इस वजह से क्योंकि बीएमसी जो दावे करती है, जो वादे करती है, उनको हर साल पूरा नहीं कर पाती। सायन और कुर्ला में पटरियों पर पानी भरने से काफी दिक्कत हो रही है। कई जगह वाहनों में पानी घुसने से वाहन खराब हो गए हैं जो ट्रैफिक की स्थिति को और खराब कर रहे हैं। और आपको दादर इलाके से जी मीडिया संवाददाता कविता शर्मा की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। थोड़ी सी बारिश और मुंबई डूब गई पानी में। कुछ यही तस्वीरें मुंबई के दादर इलाके की भी देखने मिल रही हैं। सुबह 4 बजे से हो रही लगातार बारिश के चलते यहां पर पानी भर चुका है और लोगों को इसी पानी में से निकलना पड़ रहा है, होकर गुजरना पड़ रहा है। 2 फीट तक पानी यहां पर भर चुका है और हर साल थोड़ी सी बारिश में यही तस्वीरें देखने मिलती हैं। इस बार भी बीएमसी के दावे जो हैं वो खाली नजर आ रहे हैं। यहां पर आपको दिखा दें कि वाटर पंप लगाए गए हैं ताकि जिससे पानी को फोर्स में बाहर निकाला जा सके, लेकिन आपको बता दें कि जो पिछले
पांच दिन हाई टाइड हो सकते हैं। बीएमसी ने पहले ही एडवाइजरी जारी की थी, मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी थी कि 24 घंटे मुंबई में तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में बीएमसी को जो इंतजाम करने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो रहे हैं। देखिए किस तरीके से बीएमसी के कर्मचारी पानी को मैनहोल से निकालने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन हाई टाइड होने की वजह से और जो तेज बारिश की वजह से पूरा पानी यहाँ पर जम चुका है। ट्रैफिक भी आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से जो गाड़ियाँ आ रही हैं बहुत धीमी गति से ही निकल पा रही, क्योंकि काफी ज्यादा पानी भरा हुआ है। और अभी सिर्फ सुबह के 7 बजे हैं, ऑफिस आज अभी शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही लोग अपने ऑफिस जाने की होड़ में होंगे, घर से बाहर निकलेंगे, ऐसे में ये पानी उनके लिए समस्या बन सकता है और मुंबई में इस इलाके में भी ट्रैफिक की समस्या देखी जा सकती है। कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई।